नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो भी विद्यार्थी ACF की तैयारी कर रहा है, ACF एवं फर्स्ट ग्रेड रेंजर, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। यदि आप ACF एवं फर्स्ट ग्रेड रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से और दिखाता हूँ। इस वीडियो के अंदर 6 पेजों की लिस्ट, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इन चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान की बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 342,239 किलोमीटर, जो कि भारत का है 10.41%। फॉरेस्ट कवर दिखाने वाला हूँ। फॉरेस्ट ये है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो कि आपको दिमाग में हर हाल में रहनी चाहिए यदि आप ACF की फर्स्ट ग्रेड रेंजर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ISFR है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 है। जो ये वन रिपोर्ट आती है दोस्तों, ये याद रखना ज़िंदगी के अंदर कि 2 वर्षों से आती है। कितने वर्षों से आती है? 2 वर्षों से। इसका मतलब है ये फरवरी 2018 को वन रिपोर्ट आई थी, इससे पहले 2 साल पहले 18 मई, तो 2 साल पहले आएगी 16 मई, कहने का अर्थ 18 मई, अब आगे 20 मई आएगी। तो ये याद रखना क्वेश्चन कि 2 वर्षों में वन रिपोर्ट आती है, 2 वर्ष तक ये मान्य रहते हैं आंकड़े। ये राजस्थान का ये वनों से संबंधित ग्राफ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नॉन फॉरेस्ट इस प्रकार से दर्शाया हुआ है, इस रंग से। स्क्रब, स्क्रब जानते होंगे दोस्तों आप, झाड़ियाँ, झाड़ी नुमा भाग है, वो देख लीजिए कितना प्रतिशत है। ओपन फॉरेस्ट, खुला फॉरेस्ट। मॉडेलिटी डेनिश फॉरेस्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों मध्यम रूप से जो जंगली क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, और एकदम घने जंगल युक्त है, उसे वेरी डेनिश फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए इस ग्राफ के अंदर 93.82% नॉन फॉरेस्ट दिखा रहा है, 1.34% झाड़ी नुमा दिखा रहा है, और ओपन फॉरेस्ट दिखा रहा है 3.55%। मॉडेलिटी डेनिश फॉरेस्ट दिखा रहा है 1.27%, मध्यम रूप से जंगली क्षेत्र है, और विशेष रूप से घने क्षेत्र, घने वन जंगल युक्त क्षेत्र हैं, वेरी डेनिश फॉरेस्ट, VDF के नाम से जानते हैं इसे, 0.02%। ये दोस्तों आपको हर हाल में याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान से संबंधित ये भर्ती है, तो राजस्थान से संबंधित आंकड़े आपको हर हाल में याद रखने अति आवश्यक है। दोस्तों आगे बात करता हूँ, दिखाता हूँ आपको आगे भी कुछ पेजेस हैं, ये देखिए या पढ़ लीजिए। राजस्थान का ये देखिए दोस्तों, ये है नक्शा राजस्थान का, और ये देखिए वेरी डेनिश फॉरेस्ट दिखा रखा है इसके अंदर, ये देख लीजिए आप।
मॉडरेटली डेनिस फॉरेस्ट भी दिखा रखा है, मध्यम रूपी जंगली क्षेत्र भी दिखा रखा है, ओपन फॉरेस्ट भी आपको दिखा रखा है, झाड़ीनुमा भी क्षेत्र दिखा रखा है। ये सारा नक्शा के अंदर दिखा रखा है, ये देख लीजिए राजस्थान का नक्शा है। मैं अब आपको जिले वाइज दिखाऊंगा कि कितना क्षेत्रफल है, कितने खुले वन क्षेत्र हैं, कितने नहीं हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अजमेर का ये देखिए, अलवर के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट 59 है दोस्तों, ये देख लीजिए। एक बता देता हूँ उसके बाद आप देख लीजिए दोस्तों। अजमेर के अंदर देखिए दोस्तों, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, घने जंगल क्षेत्र की, बहुत घने जंगल क्षेत्र की बात करें तो वो 0 है दोस्तों, पहले के अंदर 0 है। फिर देखिए मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 43 अजमेर के अंदर है, मध्यम रूप से जंगली क्षेत्र, ओपन फॉरेस्ट यानी खुला क्षेत्र 256 है, टोटल है 299, ज्योग्राफी एरिया का है 2.53%। ठीक है दोस्तों, ये है अजमेर जिले का। अब आगे देखते जाएं आप, अलवर का दे रखा है, बांसवाड़ा, बारा, ये सभी जिले हैं उनका दे रखा है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, तो इस चैनल को यदि आप ACF इन फर्स्ट ग्रेड रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।